नाउ इट इज टाइम टू स्टडी अबाउट इंडोक्राइन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा है। नर्वस सिस्टम क्या करता है? नर्वस सिस्टम स्टूडेंट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। हमने देखा है कि कैसे वो बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज और डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। ये जो इंडोक्राइन सिस्टम है स्टूडेंट्स, वो जो हम पढ़ेंगे तो आपको देखने में ये नर्वस सिस्टम से बहुत अलग लगेगा, नर्वस सिस्टम से बहुत अलग होगा, लेकिन फिर भी ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, इन द सेंस कि ये काम वही करता है जो नर्वस सिस्टम करता है। मतलब इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो भी हमारे बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। कैसे करता है वो ये काम, वही हमारा एम होगा देखना। लेकिन स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि व्हाट इज मीन बाय ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारे बॉडी को लेके? आपको अभी तक शायद समझ में आ भी गया होगा, प्रीवियस चैप्टर्स और प्रीवियस क्लासेस में हमने ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा भी है। स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। जैसे आप देखें, ये माउथ है स्टूडेंट्स, माउथ, और ये जो है वो सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा स्टूडेंट, जब हम कोई चीज खाते हैं या जब हम कोई बहुत टेस्टी सी चीज देखते हैं तो हमारे माउथ में वाटर भर जाता है, वाटर आ जाता है। कहां से आता है वो वाटर? ये जो सैलिवरी ग्लैंड है स्टूडेंट्स, वो वाटर लाइक लिक्विड सिक्रीट करता है और वो इस रास्ते से होते हुए हमारे माउथ में आ जाता है, ठीक। तो ये एक सैलिवरी ग्लैंड है जो एक तरीके का लिक्विड हमारे माउथ में सिक्रीट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आप देखिए स्टूडेंट्स, ये स्किन का जूम्ड व्यू है, स्किन है, स्किन, ठीक है। आप देखो यहां पर स्किन पे हेयर्स भी निकल रहे हैं। तो स्किन पे हमने देखा है कि स्वेट आता है, बहुत स्वेट आता है, वो भी एक लिक्विड होता है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स मिक्स्ड होते हैं। तो वो जो लिक्विड है वो हमारे स्किन के बाहर कहां से आता है? तो हमारे स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स। ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये एक लिक्विड सिक्रीट करते हैं जो स्किन के सर्फेस पे आती है। तो ये था सैलिवरी ग्लैंड और ये है स्वेट ग्लैंड। ऐसे और ही बहुत सारे टाइप के ग्लैंड्स हमारे बॉडी में होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे भी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ग्लैंड्स जो होते हैं वो बेसिकली एक लिक्विड सिक्रीट करते हैं जिसमें कई सारे केमिकल्स हो सकते हैं। तो हम डिफाइन भी कर सकते हैं ग्लैंड्स को कुछ इस तरीके से, ग्लैंड्स आर ऑर्गन्स इन आवर बॉडी विच सिक्रीट अ लिक्विड सब्सटेंस हैविंग सम डिफरेंट केमिकल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। एक लिक्विड सब्सटेंस सीक्रेट करता है जिसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स हो सकते हैं। दिस लिक्विड इज कॉल्ड सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड, उस लिक्विड को ग्लैंड का सिक्रीशन बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ग्लैंड्स भी जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे होते हैं स्टूडेंट्स इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। स्टूडेंट, आप समझ ही रहे होंगे मेनली हमें इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में ही इस कोर्स में पढ़ना है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडोक्राइन सिस्टम में इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते होंगे, बट क्योंकि अब दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं तो दोनों में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखो स्टूडेंट, जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो सैलिवरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ना, These are actually exocrine glands. तो ये salivary और जो sweat gland है, they are actually exocrine glands. ठीक है। अब देखो exocrine glands की क्या property होती है? जैसे आप देखो, ये जो salivary gland है, इसका जो secretion है वो finally mouth तक पहुंचता है। कैसे mouth तक पहुंचता है? Through this duct. Through this duct. This is important thing. इस tube के through सैलिवरी ग्लैंड का सिक्रीशन जो है वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। यहां पर आप देखो, यहां पर भी कोई ट्यूब दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स आपको, सोचो देखो,
ये जो स्वेट ग्लैंड है वो इस ट्यूब के थ्रू अपना सिक्रीशन स्किन के बाहर तक पहुंचाता है, तो यहां पर भी डक्ट है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं उनके पास डक्ट होता है, डक्ट कैरीज सिक्रीशन टू द डेस्टिनेशन, टू द डेस्टिनेशन, ठीक है। इनके पास एक डक्ट होता है जो सिक्रीशन को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उनके पास डक्ट नहीं होता है स्टूडेंट्स, नो डक्ट, उनका कोई डक्ट नहीं होता, उनके पास डक्ट नहीं होता है। उनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि मान लो ये हमारे पास एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, तो इसके आसपास से बहुत सारे ब्लड वेसल्स गुजर रहे होते हैं, ब्लड वेसल्स। अब इसमें कोई डक्ट तो होता नहीं है, तो ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में डाल देता है, अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में डाल देता है, तो वो सिक्रीशन ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। अब जहां जहां ये ब्लड जाएगा वहां वहां वो सिक्रीशन भी जाएगा, सही है ना बात, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स पुट देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड वेसल्स, ब्लड कैरीज दिस सिक्रीशन टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, सही है ना स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि मेजर जो डिफरेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रीशन जो है वो डक्ट से अपने डेस्टिनेशन तक जाता है, लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है उसके पास डक्ट नहीं होता है, उसका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में मिक्स होके फिर बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक जाता है। स्टूडेंट्स इसका एक और इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो बहुत दूर दूर जाके कोई काम कर सकता है, क्योंकि मान लो ये ग्लैंड एक जगह पे लोकेटेड है, लेकिन इसका जो सिक्रीशन है वो ब्लड के साथ मिलने के कारण बहुत दूर दूर तक जा सकता है, बॉडी में, बॉडी के किसी भी पार्ट तक पहुंच सकता है और वहां पे अपना इफेक्ट दिखा सकता है, ठीक है। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो तो सिर्फ डक्ट से जाता है, अब डक्ट भी बहुत लंबा तो होगा नहीं, तो इसका जो सिक्रीशन होता है वो ज्यादा दूर तक बॉडी में नहीं जा सकता, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, ठीक है, और बॉडी के सारे पार्ट्स में भी नहीं जाएगा, ठीक है, बॉडी के सारे पार्ट्स में भी नहीं जाएगा। ये ब्लड में मिक्स हो गया है तो ये बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप शायद सोच रहे हो कि इंडोक्राइन ग्लैंड का मैंने आपको कोई एग्जांपल नहीं बताया, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, बहुत सारे एग्जांपल्स हम इसके देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक। अब देखो मैंने आपको बताया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे बॉडी में जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनको हम एक साथ कंबाइन कर दें और उनकी वर्किंग को हम एक साथ स्टडी जब करते हैं तो देन वी से कि वी आर स्टडिंग अबाउट इंडोक्राइन सिस्टम। तो इंडोक्राइन सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स, इट इज द सिस्टम ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी, ठीक है, which secrete a liquid substance into the blood and which goes to different parts of the body। तो अब ये कुछ important points है endocrine systems related। सबसे पहले तो हमने endocrine system को define किया students, तो बहुत simply हम define कर सकते हैं कि endocrine system is the system of endocrine glands in our body which secrete chemical substances or chemical liquids called hormones, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर एक नया टर्म भी हमारे लिए आया है, हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है स्टूडेंट्स, इंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रीशन की हम बात करते आ रहे हैं उन सिक्रीशंस को टेक्निकली हार्मोन्स बोला जाता है। अगर हार्मोन्स को डिफाइन करना पड़े तो मैं ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल सब्सटेंस निकलते हैं उनको हम हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। हमने
क्राइन ग्लैंड्स भी पढ़ा है थोड़ा सा, भी थोड़ा सा उनके बारे में देखा था, तो उनके जो सिक्रीशंस होते हैं उनको हार्मोन्स नाम नहीं दिया जाता है, उनके अलग अलग कुछ और नाम्स होते हैं जिनमें अभी हमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ने में हमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। बट इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उनका जो सिक्रीशन होता है उनको हार्मोन्स कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो करता क्या है, ऐसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे नर्वस सिस्टम बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल और गाइड करता है, वैसे इंडोक्राइन सिस्टम भी करता है। इंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल्स वेरियस एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ बॉडी, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे बॉडी की जो ग्रोथ होती है बचपन से लेके यंग एज तक, जो बॉडी ग्रोथ होती है वो इंडोक्राइन सिस्टम ही गाइड करता है। अगर किसी पर्सन में इंडोक्राइन सिस्टम में खराबी हो तो उसके बॉडी का ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। हो सकता है वो अच्छे से ग्रो ना कर पाए या बहुत ज्यादा ग्रो कर जाए, ठीक है। हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे डिटेल में, बट मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, वो बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे कि बॉडी को ग्रोथ को कंट्रोल करता है और भी बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो इंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, तो कौन कौन से वो ग्लैंड्स हैं उनका नाम देखना तो बनता ही है ना, और वो कहां कहां पर हमारे बॉडी में लोकेटेड होते हैं ये भी देखना बनता है। तो ये स्टूडेंट्स है स्केच एक मेल का और ये स्केच है एक फीमेल का, ठीक है। आप देखेंगे ज्यादातर ग्लैंड्स जो है वो मेल और फीमेल में सेम ही होते हैं, लेकिन कुछ ग्लैंड्स, इनफैक्ट एक ग्लैंड दोनों में अलग होता है, एक ग्लैंड दोनों में अलग होता है, इसलिए दोनों की फोटो अलग अलग बनानी पड़ रही है। सबसे पहले आप देखें हाइपोथैलेमस, थोड़ा बड़ा भी लिख देता हूं अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड स्टूडेंट्स एंड दिस इज एक्चुअली सिचुएटेड इन ब्रेन, ओके। फिर एक है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड वो भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ब्रेन एरिया में ही लोकेटेड है। फिर है एक पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड वो भी आप देख सकते हैं ब्रेन के रीजन में ही लोकेटेड है, ठीक है। तो ये तीन ग्लैंड है जो हेड में लोकेटेड होते हैं। वैसे फीमेल्स में भी वही होता है, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। इनकी लोकेशन को और एग्जैक्टली हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। फिर स्टूडेंट्स होता है बहुत इंपॉर्टेंट थायरॉयड ग्लैंड, इसके बारे में आपने सुना भी होगा, थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। वो हमारे नेक में होता है स्टूडेंट्स, वैसे फीमेल्स में भी थायरॉयड ग्लैंड होता है। फिर नेक में एक और ग्लैंड होता है जिसका नाम है पैरा थायरॉयड ग्लैंड, पैरा थायरॉयड ग्लैंड, सेम इन फीमेल्स पैरा थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर यहां पर लंग्स के जस्ट ऊपर, लंग्स के जस्ट ऊपर ये एक और ग्लैंड होता है, दिस इज थायमस, थायमस, सेम इन फीमेल्स। फिर स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है, आप देखें उसका नाम है पैनक्रियास, ये कहां पर लोकेटेड है, ये स्टमक के पास लोकेटेड होता है, ठीक है। स्टमक इस फोटोग्राफ में बनाया नहीं गया है लेकिन स्टमक की लोकेशन यहीं पर होती है, ठीक है, ठीक। स्टमक की भी आप देख सकते हो किडनी, ये रेड में जो बनाया गया है वो तो किडनी है, ठीक है। स्टमक, किडनी, इन सब की लोकेशन यहां आसपास ही होती है, उनके ही आसपास ये पैंक्रियाज होता है, सेम इन फीमेल्स। फिर होता है एड्रेनल ग्लैंड्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में देखेंगे अभी। एड्रेनल ग्लैंड्स, दो एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक इस किडनी के ऊपर एक इस किडनी के ऊपर, सेम गोज इन फीमेल्स स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी तक ये जो ग्लैंड्स हमने देखे वो मेल और फीमेल में सेम थे स्टूडेंट्स, ये साइन है आपको धीरे धीरे याद हो जाने चाहिए। हाइपोथैलेमस लोकेटेड इन ब्रेन, पीनियल ग्लैंड लोकेटेड इन ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन ब्रेन, थायरॉयड ग्लैंड लोकेटेड इन नेक, पैराथायरॉयड ग्लैंड लोकेटेड इन नेक, थायमस लोकेटेड अबव लंग्स, पैनक्रियास लोकेटेड नियर स्टमक, एड्रेनल ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ किडनी, ठीक है, सेम विथ फीमेल्स। अब स्टूडेंट्स मेल्स में एक ग्लैंड होता है, दिस इज टेस्टिस, टेस्टिस जो कि लेग्स के बीच में लोकेटेड होता है, लेग्स के बीच में लोकेटेड होता है, ठीक है। वैसे फीमेल्स में स्टूडेंट्स उसके जगह पे ओवरी,
ओवरी नाम का ग्लैंड होता है, ठीक है, इनमें टेस्टिस नहीं होता है, ओवी नाम का ग्लैंड होता है, आप उसकी लोकेशन तो देख ही सकते हो। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये सारे ग्लैंड्स हमारे बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं या गाइड करते हैं। तो ये समझने के लिए एड्रेनल ग्लैंड्स जो होते हैं ये कैसे काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं। आप अगर ये समझ गए कि एड्रेनल ग्लैंड्स कैसे काम करते हैं तो आपको फील आ जाएगी स्टूडेंट्स कि कैसे ये ग्लैंड्स हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स दो एड्रेनल ग्लैंड्स, ठीक है, तो कहां पर इनका लोकेशन होता है, टू इन नंबर, लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ किडनी, लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ किडनी। अच्छा, अब ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसका एक नाम होता है स्टूडेंट्स, हर ग्लैंड के हार्मोन का एक अलग नाम होता है, ठीक है, क्या नाम होता है इसके हार्मोन का, एड्रीनलीन, एड्रीनलीन हार्मोन, एड्रीनलीन, आपने नाम भी सुना होगा स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स कि ये ग्लैंड कैसे काम करता है, उसका ये जो हार्मोन है वो क्या करता है। ओके, तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो हार्मोन है थोड़ा थोड़ा तो हमेशा सिक्रीट होता है, रहता है, ठीक है, सिक्रीटेड इन स्मॉल अमाउंट ऑल द टाइम, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं स्टूडेंट्स जब हमारे बॉडी को एडिशनल एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है। तो ऐसे तो बॉडी को हमेशा एनर्जी की जरूरत होती है फॉर डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो बॉडी को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, और जब ऐसा होता है कि बॉडी को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है तो ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है उसका सिक्रीशन जो है बहुत बढ़ जाता है, एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रीशन बहुत बढ़ जाता है, मतलब ये जो एड्रेनल ग्लैंड्स है वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं उस टाइम पर और बहुत ज्यादा एड्रेनलिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है स्टूडेंट्स, कभी कभी जैसे अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो, इमरजेंसी की सिचुएशन, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाए आपको या बहुत ज्यादा एंगर में जब आप होते हो, तो ऐसे सिचुएशंस में आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर ये दो इमरजेंसी की सिचुएशंस हैं स्टूडेंट्स, जैसे ये बुल जो है वो आपको मारने के लिए आगे पीछे पड़ गया, ये तो इमरजेंसी की सिचुएशन है, कुत्ते आगे पीछे पड़ गए, चोर आपके पीछे पड़ गया, आपको भागना है, बहुत तेज भागना है, अपनी जान को बचाने के लिए भागना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब भागने में तो बहुत एनर्जी खर्च होती है ना, और आपको तो यहां बहुत ज्यादा तेज भागना है, इसके लिए आपको बॉडी के लिए इमरजेंसी की सिचुएशन है और आपको लॉट्स ऑफ एनर्जी चाहिए, लॉट्स ऑफ एनर्जी। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, एड्रेनल ग्लैंड्स आपके बहुत एक्टिव हो जाते हैं और बहुत ज्यादा एड्रेनलिन हार्मोन आपके बॉडी में सिक्रीट होता है, ठीक है। जैसे यहां पर जब आप कोई फाइट कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो वो भी एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, अभी आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है बॉडी में, ठीक है, तो यहां पर भी एड्रेनल ग्लैंड जो होते हैं वो अपना सिक्रीशन बढ़ा देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स कई बार आप जब कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हो जाता है एकदम, बहुत जोश आ जाता है, बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, ठीक है। उस केस में आपकी बॉडी में क्या हो रहा होता है कि एड्रेनलिन हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिसके कारण आपको बहुत एनर्जी मिल रही होती है। एंगर के केस में भी आपकी बॉडी को बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि एंगर में आप उल्टे सीधे काम करते हो, वायलेंट हो जाते हो, एग्रेसिव हो जाते हो, चिल्ला चिल्ला के बोलते हो, इन सब के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होने लगता है। आप समझ रहे हो मेरी बात, एड्रेनल हार्मोन स्मॉल अमाउंट में तो हमेशा ही सिक्रीट हो रहा होता है, लेकिन कभी कभी जैसे कि इमरजेंसी, एक्साइटमेंट या एंगर की सिचुएशन में बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, उस टाइम पे एड्रेनल हार्मोन का सिक्रीशन बहुत बढ़ जाता है ना। तो क्वेश्चन इज दिस कि एड्रेनल हार्मोन के सिक्रीशन बढ़ने से हमें एक्स्ट्रा एनर्जी कैसे मिलती होगी, कैसे मिलती होगी। तो मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, ये एड्रेनल हार्मोन जो है वो क्या करता है, यहां से जो एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एड्रेनलिन है, ठीक है, वो मिक्स हो जाएगा ब्लड में, ठीक।
अब वो जो ब्लड में मिक्स हो जाएगा तो ब्लड के साथ साथ बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचेगा, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक वो पहुंचेगा, ठीक है। अब बॉडी के जब वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचता है तो उन ऑर्गन्स को वो ऑर्डर देके उनसे काम करवाता है। जैसे कि जब ब्लड के साथ ये हार्मोन लीवर तक पहुंचेगा, लीवर के बारे में आपको पता है, हमने पढ़ा है लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, तो जब ये एड्रेनलिन हार्मोन ब्लड के साथ लीवर के पास पहुंचेगा तो लीवर को वो ऑर्डर देता है पुट मोर सुगर इन ब्लड, उसको ऑर्डर देता है कि आप ब्लड में ज्यादा सुगर डालो। ये जो सुगर होता है स्टूडेंट्स, उसी से हमें एनर्जी मिलती है। ये सब हमने लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में पढ़ा है, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, रेस्पिरेशन जब हमने पढ़ा था, तो सुगर से ही हमें एनर्जी मिलती है। तो लीवर को बोल रहा है यह हार्मोन कि आप सुगर और ज्यादा ब्लड में डालो, ठीक है। फिर यही हार्मोन जब ब्लड के साथ साथ हार्ट तक पहुंचता है, हार्ट तक पहुंचता है तो हार्ट को बोलता है कि हार्ट बीट तेज करो, हार्ट बीट तेज करो। लंग्स के पास जाता है तो लंग्स को बोलता है कि ब्रीदिंग रेट जो है वो फास्ट करो, ठीक है, जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करो, जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करो, ब्रीदिंग रेट को फास्ट करो। जब ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें होती है तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो मिलती है स्टूडेंट्स, ठीक है। और उस एक्स्ट्रा एनर्जी से हम इमरजेंसी की सिचुएशन को डील कर पाते हैं। जैसे अगर हम भाग रहे हैं बूल से या डॉग से, कुत्तों से भाग रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी तो हम ज्यादा तेज भाग पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये एड्रेनलिन हार्मोन ने कैसे काम किया, देखो ये हार्मोन ब्लड के साथ मिक्स हो गया, उसके बाद वो लीवर, लंग्स, हार्ट इन सब तक गया, उनको ऑर्डर देके उससे कुछ काम करवाए, उन काम के होने से हमारे बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने लगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मैं ये भी चाहता हूं कि आप ये सोचें कि ये जो एड्रेनलिन ग्लैंड है इंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट, इसने कैसे हमारे बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल किया। हम पढ़ रहे थे ना कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो बॉडी को कंट्रोल करता है, और इंडोक्राइन सिस्टम भी वही करता है, एक्चुअली बॉडी को कंट्रोल करता है, हालांकि दूसरे तरीके से कंट्रोल करता है। तो आपको समझ में आया कि इंडोक्राइन सिस्टम कैसे कंट्रोल कर रहा है, और ये कंट्रोल ही तो कर रहा है ना। ये जो ग्लैंड है उसने एक हार्मोन सिक्रीट किया, वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाके कुछ अलग काम करवा रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स को, ठीक। तो ये इंडोक्राइन सिस्टम भी कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी को, जैसे कि नर्वस सिस्टम करता था। हालांकि दोनों के कंट्रोल करने का तरीका अलग है, क्या अलग है एग्जैक्टली वो हम नोट डाउन भी करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी तो हम क्या करते हैं कि एड्रेनलिन हार्मोन जो है उसकी जो वर्किंग है उसको थोड़ा वर्ड्स में नोट डाउन कर लेते हैं। देखें, इन सिचुएशंस ऑफ इमरजेंसी, एक्साइटमेंट एंड एंगर, एड्रेनलिन ग्लैंड्स बिकम मोर एक्टिव। सही बात है, ऐसा ही हमने देखा है। मोर एड्रेनलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय देम, मोर एड्रेनलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय देम। ब्लड कैरीज द हार्मोन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसा हमने देखा है। दिस हार्मोन इंक्रीजेस ब्रीदिंग रेट, रेट ऑफ हार्ट बीट, फ्लो ऑफ ब्लड टू मसल्स। इट ऑल्सो मेक्स लीवर टू पुट मोर सुगर और ग्लूकोज इन टू ब्लड। ऑल दीज एक्टिविटीज इन बॉडी प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी इन द बॉडी। दिस इज हाउ एड्रेनल ग्लैंड्स कंट्रोल बॉडी प्रोसेसेस थ्रू हार्मोन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। वो क्लियर हुआ कि कैसे ये जो ग्लैंड है वो बॉडी के प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहा है। बाकी ग्लैंड्स भी कुछ उसी तरह से कंट्रोल करते हैं, उनके बारे में भी हम शॉर्ट में देखेंगे। कुछ और ग्लैंड्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड जो होता है वो हमारे ब्रेन में होता है। आप देख रहे हो ये छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा जो आपको चीज दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड की लोकेशन क्या है ये तो आप समझ ही गए, क्लोज टू सेंटर ऑफ ब्रेन, क्लोज टू सेंटर ऑफ ब्रेन, लगभग लगभग ब्रेन के सेंटर में कहीं पे ये होता है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसका नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं मेलाटोनिन, ठीक है स्टूडेंट्स। इससे जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसका नाम होता है मेलाटोनिन।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये करता क्या है? इट रेगुलेट्स स्लीप साइकिल, रेगुलेट्स स्लीप साइकिल। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जब डार्कनेस होता है, डार्कनेस अंधेरा होता है, तो ये जो हार्मोन है मेलाटोनिन, इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, तो हमें नींद आने लगती है, हम थोड़ा स्लीपी फील करने लगते हैं, ठीक है। और जब स्टूडेंट्स लाइट होती है तो इस हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो बहुत कम हो जाता है, मेलाटोनिन का सिक्रीशन बहुत कम हो जाता है, तो फिर हम उतना स्लीपी फील नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये पीनियल ग्लैंड भी हमारे बॉडी के एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है थ्रू दिस हार्मोन, ठीक है। इस हार्मोन के हेल्प से वो ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि कब हम सोने वाले हैं, कब हम जगने वाले हैं। तो जब हम ये बोलते हैं कि इंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है कई तरीकों से, तो वो सही है ना, ये पीनियल ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी को कि कब हम सोएंगे, कब हम जगेंगे, राइट स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट्स पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो होता है स्टूडेंट्स वो भी हमारे ब्रेन में होता है। आप देखो यहां पर ये छोटी सी जो आपको चीज दिख रही है स्टूडेंट्स, दैट इज एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। इनफैक्ट मैं आपको स्टूडेंट्स बताऊं, यहां पर एक और ग्लैंड है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है दिस इज एक्चुअली अनदर ग्लैंड दैट इज हाइपोथैलेमस, ठीक है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कहां पर ये लोकेटेड होता है, हम लिख सकते हैं ये लोकेटेड होता है बिलो हाइपोथैलेमस, बिलो हाइपोथैलेमस इन ब्रेन। अब स्टूडेंट्स ये कौन से सिक्रीशंस निकालता है, कौन से हार्मोन्स निकालता है, ये बहुत सारे हार्मोन्स निकालता है, मेनी हार्मोन्स। स्टूडेंट्स कोई जरूरी नहीं है कि एक ग्लैंड जो है वो एक ही हार्मोन निकाले, वो कई तरह हार्मोन्स निकाल सकता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन ये ग्लैंड निकालता है दैट इज ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है स्टूडेंट्स, ये हार्मोन हमारे ब्लड में मिल जाता है, ब्लड में मिल जाता है तो फिर बॉडी के सारे पार्ट्स में जाता है, और बॉडी के सारे पार्ट्स में जब जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट मसल्स और बोन्स की ग्रोथ फिनोमिना को स्टार्ट करता है, वो कैसे ग्रो करेंगे उनको कंट्रोल करता है, इसलिए इस हार्मोन का नाम ही है ग्रोथ हार्मोन। स्टूडेंट समझ रहे हो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एक फंक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया कि वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है जो कि ब्लड में मिक्स होने के बाद बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है और डिफरेंट डिफरेंट मसल्स और बोन्स को ग्रो करने में हेल्प करता है स्टूडेंट्स, कंट्रोल करता है कि वो कैसे ग्रो करेंगे स्टूडेंट्स। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। जैसे स्टूडेंट्स आप देखें, ये जो आदमी है ये वर्ल्ड का सबसे छोटा आदमी है, स्मॉलेस्ट पर्सन ऑन दिस वर्ल्ड, और ये जो आदमी है वन ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। नॉर्मल आदमी की कोई हाइट जो है वो यहां तक होती है, नॉर्मल। तो कोई आदमी नॉर्मल है इसका मतलब है उसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन सही अमाउंट में रिलीज करता है, सही अमाउंट में रिलीज करता है, तो सही तरीके से मसल्स और बोन्स की ग्रोथ हो रही है और आदमी की सही हाइट है। इस आदमी के केस में क्या हुआ होगा आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स की उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई फॉल्ट होगा जिसके कारण से ग्रोथ हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम सिक्रीट हो रहा है। तो इस आदमी के केस में क्या हो रहा है, लेस ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जिसके कारण इसकी ग्रोथ कम हो पाई। और इस आदमी में क्या हुआ, एक्सेस ग्रोथ हार्मोन, एक्सेस ग्रोथ हार्मोन, जिसके कारण इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई। तो वंस अगेन यू कैन सी that an endocrine gland is actually controlling activities in the body, ठीक है। अब ये जो pituitary gland है students, जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारे hormones रिलीज करता है, तो उसमें से कुछ hormones तो ऐसे होते हैं जो कि दूसरे glands तक जब पहुंचते हैं तो उन glands को order देते हैं कि आप ज्यादा या कम hormone secrete करो,
ठीक है स्टूडेंट, तो हम लिख सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड का एक और फंक्शन है रेगुलेट्स सिक्रीशन ऑफ मेनी अदर ग्लैंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देखें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कि इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, उनको ऑर्डर देते हैं कि आप ज्यादा सिक्रीशन करो या कम सिक्रीशन करो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज हाइपोथैलेमस। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि हाइपोथैलेमस जो है वो यहां पर लोकेटेड होता है। ठीक है, तो उसकी लोकेशन क्या है स्टूडेंट्स? ठीक है, ये जो है वो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन के जस्ट नीचे होता है, बिलो मिड ब्रेन। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड तो है, उसके अलावा भी ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है हमारी बॉडी की। ठीक है, कई सारी एक्टिविटीज ये हमारी बॉडी की परफॉर्म करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, बट यहां पे हम इसको एज ए ग्लैंड देख रहे हैं, तो हमें बस अभी ये इंटरेस्ट है कि ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो है कि ये भी कई हार्मोन सिक्रीट करता है, मेनी हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड की तरह ये भी बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट करता है स्टूडेंट्स। उसमें से एक हार्मोन जो है वो तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कम सिक्रीशन करे ज्यादा सिक्रीशन करे उसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस का हार्मोन। उसके अलावा स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस के बहुत सारे हार्मोन्स ये भी कंट्रोल करते हैं कि और बाकी जो ग्लैंड्स हैं वो कैसे सिक्रीट करें, तो कंट्रोल्स सिक्रीशन ऑफ मेनी अदर ग्लैंड्स, मेनी अदर ग्लैंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये जो हार्मोन्स जो दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, उन हार्मोन्स को कई बार दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वन इज रिलीजिंग हार्मोन, अनदर इज इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो दूसरे ग्लैंड को बोलेगा कि आप ज्यादा हार्मोन सिक्रीट करो, ज्यादा हार्मोन सिक्रीट करो। रिलीजिंग हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होगा जो दूसरे ग्लैंड को बोलेगा कि आप ज्यादा हार्मोन सिक्रीट करो। इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो ऐसा हार्मोन होगा जो दूसरे ग्लैंड को बोलेगा कि यार आप कम हार्मोन सिक्रीट करो। इनहिबिटिंग हार्मोन मतलब वो कम करेगा दूसरे ग्लैंड का हार्मोन सिक्रीशन। रिलीजिंग हार्मोन मतलब दूसरे ग्लैंड को बोलेगा कि आप हार्मोन ज्यादा सिक्रीट करो। ओके, तो स्टूडेंट्स, ब्रेन में तीन इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, तीन, तीनों के बारे में हमने देखा। एक तो ये हाइपोथैलेमस है यहां पर, उसके नीचे यहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड था, पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसके ऊपर यहां पे ये पीनियल ग्लैंड। तो दीज आर थ्री इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये क्या क्या काम करते हैं वो भी हमने देखा। पीनियल ग्लैंड क्या करता है स्टूडेंट्स? हमारे स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है स्टूडेंट? बताएं, ग्रोथ को कंट्रोल करता है और बहुत सारे दूसरे ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है स्टूडेंट्स? बहुत सारे दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो नेक्स्ट इज पैनक्रियाज स्टूडेंट्स। आप इस फोटोग्राफ में देखें, ये जो रेड ऑर्गन आपको दिख रहा है दैट इज एक्चुअली पैनक्रियाज, अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड स्टूडेंट्स। उसके ऊपर ये जो आपको दिख रहा है दिस इज एक्चुअली स्टमक। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि पैनक्रियाज की लोकेशन आपको समझ में आए, वो स्टमक के थोड़ा सा नीचे होता है। और पैनक्रियाज जो हार्मोन सिक्रीट करता है स्टूडेंट्स, उसका नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या करता है? ये हार्मोन रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ सुगर, अमाउंट ऑफ सुगर इन ब्लड। हमारे ब्लड में सुगर होता है, उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है स्टूडेंट्स। ठीक है,
अगर वो शुगर बहुत ज्यादा हो जाए हमारे ब्लड में तो हमें डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है। डायबिटीज नाम की बीमारी का आपने नाम सुना होगा, आजकल थोड़ी कॉमन हो गई है बीमारी, ठीक है। अगर आपके बॉडी में शुगर का अमाउंट कम हो जाए स्टूडेंट्स, तो आप कोमा में जा सकते हो। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि शुगर का अमाउंट ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, तो उसका अमाउंट रेगुलेट होना चाहिए। तो कौन रेगुलेट करेगा? ये जो इंसुलिन हार्मोन है जो पैनक्रियाज द्वारा सिक्रिएट किया जाता है वो ये काम करता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स किसी कारण से अगर इंसुलिन की सप्लाई कम हो जाए आपके बॉडी में, ये हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है, लेस इंसुलिन, तो क्या होगा? तो क्या होगा कि शुगर का अमाउंट आपके बॉडी में बढ़ जाएगा और आपको डायबिटीज हो जाएगी, डायबिटीज। और जब डायबिटीज हो जाती है तो डॉक्टर ऐसा एडवाइस करते हैं कि आपको लेस स्वीट्स खानी चाहिए या कोई मीठी चीज आपको कम खानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि शुगर बढ़ गया ना यार, तो अगर आप मीठी चीज खाएंगे तो और शुगर बढ़ जाएगा। कई बार अगर इंसुलिन बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, वेरी लेस इंसुलिन, ठीक है, तो इंसुलिन अगर बहुत ही ज्यादा कम हो गया है तो आपके बॉडी में शुगर का लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो उस केस में डॉक्टर ये तो आपको बोलते ही है कि आप स्वीट्स कम खाओ, प्लस साथ में क्या करते हैं, वो आपको इंजेक्ट करते हैं इंसुलिन इन बॉडी, ठीक है। तो अगर इंसुलिन बहुत ही कम हो जाए आपकी बॉडी में तो इंजेक्शन देके इंसुलिन को आपके बॉडी में बढ़ाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि इंसुलिन का राइट अमाउंट में बॉडी में होना बहुत जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि पैनक्रियाज क्या कर रहा है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। ये भी बहुत पॉपुलर ग्लैंड है, आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में भी सुना होगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप देखें ये होता कहां पर है, आप फोटोग्राफ में देख ही सकते हैं कि कहां ये होता है। ये जो है स्टूडेंट्स वो हमारी विंड पाइप है, विंड पाइप, उसके अराउंड ये जो आप देख रहे हैं दैट इज थायराइड ग्लैंड, उसको जूम करके यहां पर बनाया गया है, ठीक है। तो लोकेशन क्या है थायराइड ग्लैंड की? अराउंड विंड पाइप इन नेक, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थायरोक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन करता क्या है? रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आप समझ रहे होंगे डाइजेशन से रिलेटेड फंक्शन होता है इसका, कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन, इनका मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको ये रेगुलेट करता है। थोड़ी सी यहां पे हट के एक बात करेंगे स्टूडेंट्स हम, आप देखें इस फोटोग्राफ को, इसमें इस लेडी का नेक आप देखें ये कितना बल्ज हो गया है, कितना स्वेलन है ये नेक, स्वेलन नेक। तो इस लेडी को बेसिकली एक बीमारी हो गई स्टूडेंट्स, जिसका नाम होता है गोइटर, GOITRE गोइटर। इस बीमारी में क्या होता है, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये बल्ज हो जाता है, स्वेलन हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि नेक जो है वो इस तरह से बाहर निकल जाता है। अभी बीमारी क्यों हो जाती है स्टूडेंट्स, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसमें आयोडीन होता है, आयोडीन नाम का एक सब्सटेंस होता है, आपने केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा होगा। अगर हमारे बॉडी में आयोडीन कम हो जाए तो ये हार्मोन भी कम सिक्रीट होगा। तो हम लिख सकते हैं आयोडीन नेसेसरी फॉर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, ठीक है। अगर आयोडीन लेस हो गया तो थायरोक्सिन जो है वो कम सिक्रीट होता है, और कम थायरोक्सिन सिक्रीट होने से ये बीमारी ग्वाइटर हो जाती है, दिस रिजल्ट्स इन ग्वाइटर। तो इस बीमारी से बचने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, ऐसी चीजें खाई जाएं जिसमें आयोडीन होता हो, ताकि हमें आयोडीन मिलता रहे अपनी बॉडी में और थायरोक्सिन सिक्रीट होता रहे, राइट। तो जैसे स्टूडेंट्स आपने सुना होगा आयोडाइज सॉल्ट के बारे में, जो सॉल्ट हम खाते हैं वो आयोडाइज्ड होता है, उसमें थोड़ा सा आयोडीन मिक्स किया गया होता है, ठीक है, ताकि हमारे बॉडी में आयोडीन के अमाउंट मेंटेन्ड रहे और ऐसी कोई बीमारी हमें ना हो, ठीक है। तो वी शुड ईट आयोडाइज्ड सॉल्ट टू गेट
एनफ आयोडीन इन बॉडी. तो नॉर्मली जो भी सॉल्ट बिकते हैं मार्केट में, जो भी अच्छे कंपनी के सॉल्ट बिकते हैं वो आयोडाइज ही होते हैं. नेक्स्ट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड. पैराथायरॉयड ग्लैंड, अभी हमने देखा थायरॉयड ग्लैंड और ये दूसरा पैराथायरॉयड ग्लैंड. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये देखना चाहते हैं कि वो लोकेटेड कहां पर होता है. तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ये जो थायरॉयड ग्लैंड है इसी के ऊपर पैराथायरॉयड ग्लैंड लोकेटेड होता है. जैसे यहां पर, यहां पर, यहां पर, ठीक है. अगर थायरॉयड ग्लैंड को देखा जाए तो उसपे इस तरह से चार डॉट्स दिखाई देते हैं छोटे छोटे. ये जो चार छोटे छोटे डॉट्स हैं दे आर एक्चुअली पैराथायरॉयड ग्लैंड्स. ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि लोकेशन है ऑन थायरॉयड ग्लैंड. और ये जो चारों ग्लैंड्स आपको दिख रहे हैं, चार पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं? दे सिक्रीट पैराथॉर्मोन. पैराथॉर्मोन. और इस हार्मोन का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? रेगुलेट्स या मेंटेन्स द लेवल ऑफ या अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन बॉडी. कैल्शियम और फॉस्फेट, दीज आर सम इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज विच आर नीडेड इन आवर बॉडी. ठीक है, लेकिन इनका अमाउंट भी बहुत ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर अमाउंट मेंटेन होना चाहिए, वो ये वाला हार्मोन पैराथॉर्मोन मेंटेन करता है. नेक्स्ट थिंग इज थायमस ग्लैंड. तो थायमस ग्लैंड कहां होता है वो इस फोटोग्राफ से आप समझ सकते हो. ये जो चीज है, दिस इज थायमस ग्लैंड. थायमस ग्लैंड, तो थायमस ग्लैंड की लोकेशन आप समझ गए हैं कहां पर है. ये ऊपर विंड पाइप है, आप देख सकते हो विंड पाइप है ये. ठीक है, ये जो है वो लंग्स है, उनके बीच में यहां पर थायमस ग्लैंड होता है. ठीक है, तो लोकेशन अगर इनसे पूछा जाए तो हम बोल सकते हैं इन अपर पार्ट ऑफ चेस्ट. इन अपर पार्ट ऑफ चेस्ट बिटवीन लंग्स. ठीक है, कौन सा हार्मोन ये सिक्रीट करता है? थायमस हार्मोन. थायमस हार्मोन. इस हार्मोन का काम क्या होता है? प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम क्या होता है ये सब हमने पहले देखा है स्टूडेंट्स. इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जो हमें जर्म से बचाने की कोशिश करता है, जर्म से बचाने की कोशिश करता है. तो ये जो हार्मोन है थायमस हार्मोन, वो इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ फाइनली टेस्टीज एंड ओवरीज. स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा कि टेस्टीज सिर्फ मेल में पाया जाता है और ओवरीज सिर्फ फीमेल में पाया जाता है. लोकेशन आप देख ही सकते हो. ये कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं? टेस्टीज जो हार्मोन सिक्रीट करता है दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन. प्लीज नोट द स्पेलिंग, टेस्टोस्टेरॉन. और ओवरीज फीमेल में जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनका नाम है ऑस्ट्रोजन. ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, अब ये जो हार्मोन्स हैं क्या रोल प्ले करते हैं ये हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो ग्लैंड्स हैं वो एग्जैक्टली क्या क्या करते हैं, ये जो हार्मोन्स हैं उनसे एग्जैक्टली क्या क्या होता है. लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा मैं अभी आपको यहां पर बता सकता हूं कि जो बॉयज होते हैं, मेल्स होते हैं, उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं 10 to 14 ईयर्स के एज में. जैसे पहले उनकी कोई मुस्टैच और बियर्ड नहीं होती है, बाद में मुस्टैच और बियर्ड आने लगती है. राइट, मुस्टैच बियर्ड. ठीक है, फिर यह भी होता है कि बचपन में उनकी वॉयस थोड़ी अलग टाइप की होती है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं इस एज में उनकी वॉयस थोड़ी मस्कुलिन हो जाती है, भारी हो जाती है, मस्कुलिन वॉयस. ठीक है, उनके सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं. ओके, उसी तरीके से इस एज में गर्ल्स में भी चेंजेस आते हैं, उनके बॉडी में भी हेयर्स का डेवलपमेंट होने लगता है. ठीक है, उनकी स्किन सॉफ्ट होने लगती है, उनकी वॉयस जो है वो मस्कुलिन नहीं बल्कि फेमिनिन होने लगती है, फेमिनिन वॉयस. उनके भी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं. ठीक, तो ये जो एज होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. मेल और फीमेल दोनों में, दोनों की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और ये जो फेज होता है इसको बोलते हैं प्यूबर्टी. प्यूबर्टी, प्यूबर्टी. ठीक,
इसके बारे में बहुत डिटेल में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। प्यूबर्टी वो फेज होता है जिसमें मेल और फीमेल के बॉडी में बहुत सारे सेक्सुअल चेंजेस आते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो आते हैं हमारे बॉडी में इस एज के दौरान, वो इन हार्मोन से ही गाइड होते हैं, इन हार्मोन से गाइड होते हैं। इन हार्मोन्स को सेक्स हार्मोन्स भी बोला जाता है, सेक्स हार्मोन्स। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो वंस अगेन यू कैन सी कि ये जो ग्लैंड्स है वो इन हार्मोन्स के हेल्प से हमारे बॉडी के डेवलपमेंट को गाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, राइट? ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हमने बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया, जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं सबके बारे में हमने पढ़ लिया। तो हमने ये देखा कि ये जो ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं। अब देखो हार्मोन्स ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट नहीं होना चाहिए, कम अमाउंट में भी सीक्रेट नहीं होना चाहिए, दोनों ही केसेस में बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो ग्लैंड्स हैं वो सही अमाउंट में हार्मोन्स को सिक्रीट करें, ना ज्यादा ना कम। तो अब हमारे बॉडी में कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए ना जो इस बात का ख्याल रखे, तो वही हम यहां पे देखने वाले हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। हमारे बॉडी में एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है दैट टेक्स केयर दैट राइट अमाउंट ऑफ हार्मोन आर सिक्रीटेड बाई ग्लैंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है जो इस बात का ख्याल रखता है कि ग्लैंड जो है वो सही अमाउंट में और सही टाइम पर हार्मोन सिक्रीट करें। अब जैसे कैसे ये फीडबैक मैकेनिज्म वर्क करता है मैं आपको पैनक्रियाज का एग्जांपल लेके समझाता हूं स्टूडेंट्स। तो ये पैनक्रियाज है सपोज करो, ठीक है, हमने देखा है कि ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है स्टूडेंट्स, इंसुलिन, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन रिलीज करता है। और इंसुलिन का काम क्या होता है, रेगुलेट अमाउंट ऑफ सुगर इन ब्लड, ठीक है, ये हमने अभी भी देखा थोड़ी देर पहले ही। तो स्टूडेंट्स कितना इंसुलिन सिक्रीट होना चाहिए ये कैसे डिसाइड होगा, ये एक इंपॉर्टेंट मसला है कि कितना इंसुलिन जो है वो सिक्रीट होना चाहिए। तो देखो क्या होता है, इस पैंक्रियाज में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, ठीक है, इन सेल्स का काम होता है कि ये डिटेक्ट करते हैं कि ब्लड में कितना सुगर है, ठीक है, डिटेक्ट अमाउंट ऑफ सुगर इन ब्लड, ऑफ सुगर इन ब्लड, ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि ब्लड में कितना सुगर है, ठीक। अगर इन्होंने डिटेक्ट किया कि हाई अमाउंट ऑफ सुगर है ब्लड में, इन्होंने डिटेक्ट किया कि हाई अमाउंट ऑफ सुगर है, तो ये जो पैनक्रियाज है वो हाई अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिलीज करता है, ठीक है। अगर ये सेल्स ये डिटेक्ट करते हैं कि सुगर बहुत ज्यादा है बॉडी में, तो पैंक्रियाज ज्यादा इंसुलिन को सिक्रीट करता है, क्योंकि ज्यादा इंसुलिन जब होगा तो वो सुगर को कम कर देगा, ज्यादा इंसुलिन जो है वो सुगर को किल कर देगा, सुगर को कम कर देगा, ठीक है, वही होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स अगर ये सेल्स ये डिटेक्ट करते हैं कि लेस अमाउंट ऑफ सुगर है, लेस अमाउंट ऑफ सुगर है ब्लड में, लेस अमाउंट ऑफ सुगर है, तो ये पैंक्रियाज जो है वो भी लेस इंसुलिन ही रिलीज करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा इंसुलिन रिलीज हो जाएगा, अगर ज्यादा इंसुलिन रिलीज हो गया तो जो सुगर ऑलरेडी लेस है वो और लेस हो जाएगा, ठीक है, तो कम सुगर है तो कम इंसुलिन रिलीज होना चाहिए। तो इस तरीके से एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, मतलब पहले हमें पता चलता है कि कितना सुगर है, पहले पैंक्रियाज ये पता करता है कि कितना सुगर है और फिर उसके अकॉर्डिंग राइट अमाउंट ऑफ इंसुलिन वो रिलीज करता है, ठीक है। तो दिस इज द फीडबैक मैकेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट। ऐसे ही बाकी ग्लैंड्स के लिए भी प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म होता है जिससे अमाउंट ऑफ हार्मोन सिक्रीट कंट्रोल होता है, राइट? ओके स्टूडेंट्स, तो हमने नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, इंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ लिया है, ठीक है, दोनों का बेसिक काम यही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब बॉडी में जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती है उनको कोऑर्डिनेट किया जाए, ठीक। लेकिन स्टूडेंट्स दोनों के काम करने का तरीका बहुत अलग है, नर्वस सिस्टम अलग तरीके से काम करता है, इंडोक्राइन सिस्टम अलग तरीके से काम करता है। कैसे अलग तरीके से काम करता है, जैसे आप सोचें स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम में अगर ब्रेन को ऑर्डर देना है हैंड को, ब्रेन ऑर्डर देना चाहता है हैंड को कि आप मूवमेंट करो, ठीक है,
नर्वस सिस्टम में होता है ऐसा। अब जैसे इंडोक्राइन सिस्टम में, जैसे आप सोचो कि एड्रेनलिन ग्लैंड है वो हार्ट को ऑर्डर देना चाहता है कि अपनी हार्ट बीट बढ़ाओ। ठीक है, तो पहले तो स्टूडेंट्स आप नोट करें कि दोनों में सिमिलैरिटी भी है, इसमें भी ब्रेन से हैंड तक मैसेज जाएगा और इसमें भी एड्रेनलिन ग्लैंड से हार्ट तक मैसेज ही जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन मैसेज बिल्कुल अलग तरीके से जाएगा। इसमें मैसेज जो है वो कैसे जाता है स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में जाता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में मैसेज जाता है। ठीक, और कैसे जाता है, न्यूरॉन्स के थ्रू या नर्व्स के थ्रू। ठीक है, यहां पर ये जो मैसेज जाता है वो केमिकल्स के थ्रू जाता है, केमिकल्स, हार्मोन्स में केमिकल्स ही तो होते हैं, और वो जाता कैसे है, थ्रू ब्लड। आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स, यहां पर ब्रेन को जब मैसेज भेजना होता है हैंड को, तो ब्रेन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेजता है ओवर नर्व्स। ठीक, यहां पर जब एड्रेनलिन ग्लैंड को हार्ट को मैसेज भेजना है तो भेज वो मैसेज ही रहा है, लेकिन फॉर्म बिल्कुल अलग है, वो एक केमिकल रिलीज कर देता है ब्लड में, वो केमिकल ब्लड के साथ साथ हार्ट तक पहुंचता है, हार्ट को मैसेज डिलीवर करता है। तो आप क्लियरली दोनों के वर्किंग में डिफरेंस देख सकते हो, यहां इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ओवर न्यूरॉन्स, यहां पर केमिकल्स थ्रू ब्लड। फिर स्टूडेंट्स और भी डिफरेंसेस हैं, यहां पर ये जो मैसेज जाता है बहुत फास्ट जाता है, फास्ट मैसेज। ठीक है, ईमेल है स्टूडेंट्स ये तो बहुत फास्ट जाता है, और ये स्लो जाता है, स्लो मैसेजिंग। ठीक है, ये पोस्टल सर्विस है हमारा। ठीक है, ये स्लो जाता है, सोच के देखो ना स्टूडेंट्स, यहां पर जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो कितना जल्दी होता है। ठीक है, यानी कि मैसेज बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं, लेकिन यहां पर तो स्लो होना ही है ना, क्योंकि ब्लड तो आराम आराम से मूव करता है बॉडी में, तो जैसे जैसे ब्लड मूव करेगा वैसे वैसे मैसेज जाएगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, स्लो प्रोसेस है। फिर एक और डिफरेंस है, यहां पर जो मैसेज जाता है उसका इफेक्ट लॉन्ग टाइम तक रहता है, जनरली लॉन्ग टाइम इफेक्ट। जैसे मान लो कि किसी केस में ग्रोथ का हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, तो अब उसका इफेक्ट तो सालों तक रहता है ना स्टूडेंट्स, उसका इफेक्ट तो बहुत टाइम तक रहता है, धीरे धीरे बॉडी में ग्रोथ होता है, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट या लॉन्ग टाइम इफेक्ट। लेकिन यहां पर जो मैसेजेस जाते हैं उनका शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, थोड़े टाइम के लिए इफेक्ट होता है। हमने कुछ सोचा कि यार किसी ऑब्जेक्ट को उठाना है, तो हैंड को मैसेज दिया, हैंड ने उस ऑब्जेक्ट को उठा लिया, कहानी खत्म हो गई बस यहां पर, तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट हुआ। ठीक है, हमारे ब्रेन ने सोचा कि आंखों को बंद करना चाहिए, तो उसने आंखों को ऑर्डर दिया, आंख हमने बंद कर ली, बस खत्म हो गया काम यहां पर। लेकिन यहां पर तो ग्रोथ का अगर हार्मोन रिलीज हुआ है तो उसका तो इफेक्ट बहुत टाइम तक रहेगा। ठीक है, एड्रेनलिन ग्लैंड का भी अगर हार्मोन रिलीज हुआ है तो उसका भी इफेक्ट 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे तक रह सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस इन द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों में जो डिफरेंसेज है वो आप नोट डाउन करो, तो उन्होंने बताई दिए हैं, इस तरह से आप लिख भी सकते हो। एक बार मैं रीडिंग मार देता हूं कि मैंने क्या लिखा है, इंडो नर्वस सिस्टम के बारे में है कि मैसेजेस आर इन फॉर्म ऑफ इंपल्सेस ओवर नर्व्स, और यहां इंडोक्राइन के बारे में मैसेजेस आर इन फॉर्म्स ऑफ केमिकल्स और हार्मोन्स थ्रू ब्लड, मैसेजेस ट्रेवल फास्ट, मैसेजेस ट्रेवल स्लो, मैसेजेस हैव शॉर्ट टर्म इफेक्ट, मैसेजेस हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नीड फॉर इंडोक्राइन सिस्टम। मतलब जब नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में है ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, तो एक और एडिशनल सिस्टम की क्या जरूरत है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स दोनों पढ़ने के बाद आप यह भी समझ रहे होंगे कि नर्वस सिस्टम जो है वो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा एलिगेंट है, ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो जब नर्वस सिस्टम इतना पावरफुल है तो फिर इंडोक्राइन सिस्टम की क्या जरूरत पड़ती, जरूरत है स्टूडेंट्स। नर्वस सिस्टम में कुछ ड्रॉबैक्स हैं, हालांकि बड़ा अच्छा होता है नर्वस सिस्टम, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसके कारण हमें इंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। जैसे कैसे ड्रॉबैक्स हैं, कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको समझाता हूं। तो कंसीडर करते हैं पहला एग्जांपल स्टूडेंट्स। ठीक, देखो हमने देखा है कि नर्वस सिस्टम जो है वो किसी भी बॉडी पार्ट से कैसे कम्युनिकेट करता है। जैसे ब्रेन को कम्युनिकेट करना है किसी बॉडी पार्ट या ऑर्गन से, तो ब्रेन जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में मैसेज भेजता है उस ऑर्गन को। ठीक, लेकिन स्टूडेंट्स कई बार बॉडी में रिक्वायरमेंट ऐसी होती है
कि एक नहीं, बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को एक ही साथ कंट्रोल करना होता है, एक नहीं बल्कि बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को एक ही साथ कंट्रोल करना होता है। जैसे स्टूडेंट्स हमने देखा है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो उस केस में हार्ट को अपनी हार्ट बीट बढ़ानी पड़ती है, लंग्स को ब्रीदिंग रेट बढ़ाना पड़ता है, लीवर को शुगर की सप्लाई बढ़ानी पड़ती है ब्लड में, डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें भी कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है, ब्लड का फ्लो बढ़ाना पड़ता है बॉडी में। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में जैसा हमने देखा है पहले, या फिर एक्साइटमेंट या एंगर की सिचुएशन में जब हमें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है सडनली, जब हम स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं और सडनली हमें बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, तो इन सारे ऑर्गन्स को, बॉडी के इन सारे पार्ट्स को एक्टिवेट करना पड़ता है, इनमें चेंजेस करने पड़ते हैं सडनली, ठीक है। तो इस काम के लिए जब बहुत सारे ऑर्गन्स को एक ही साथ इफेक्ट करना है तो इस केस में नर्वस सिस्टम इज नॉट वेरी इफिशियंट, ठीक है। क्योंकि नर्वस सिस्टम तो किस तरह से काम करता है कि जिस ऑर्गन को इफेक्ट करना है उसको मैसेज भेजेगा, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि हर ऑर्गन को अलग अलग मैसेज भेज सके वो, ठीक, और ये काम कर सके, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इस केस में एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो बड़ा इफिशियंट होता है। देखो हमें तो पता ही कि इस केस में एक्चुअली एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं वो काम करते हैं, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड तो क्या करते हैं, वो ब्लड में अपना हार्मोन्स छोड़ देते हैं, हार्मोन्स इन ब्लड। उससे क्या होता है, हार्मोन्स को जब ब्लड में छोड़ दिया जाता है, मतलब इनका जो मैसेज होता है, ग्लैंड्स का जो मैसेज होता है वो तो हार्मोन्स के फॉर्म में होता है, केमिकल्स के फॉर्म में होता है, तो उन्होंने अपना मैसेज ब्लड में छोड़ दिया। अब ब्लड जो है वो तो बॉडी के सारे पार्ट्स में जाएगा, उसको तो जाना ही बॉडी के सारे पार्ट में, तो वो जब बॉडी के सारे पार्ट्स में जाएगा तो सबको कंट्रोल कर लेगा, ठीक। इन्होंने अपना केमिकल मैसेज या हार्मोन जो है वो ब्लड में छोड़ दिया, अब ब्लड बॉडी के सारे पार्ट्स में जाएगा, ठीक। तो जब ब्लड हार्ट तक पहुंचेगा तो ये जो हार्मोन है वो हार्ट को मैसेज दे देगा, लंग तक जब ब्लड पहुंचेगा तो हार्मोन लंग्स को मैसेज दे देगा, फिर लीवर को भी देगा, एंड सो ऑन, सबको कंट्रोल करेगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जब बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को एक ही साथ अगर मैसेज देना हो तो इन दैट केस एंडोक्राइन सिस्टम इज बेटर, ठीक है। देखो मैंने लिख भी दिया है शॉर्ट में, नर्वस सिस्टम इज नॉट वेरी इफिशियंट एट टाइम्स इन कंट्रोलिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन्स एट द सेम टाइम फॉर अ पार्टिकुलर जॉब, जैसा हमने देखा। इन सच सिचुएशंस एंडोक्राइन सिस्टम इज बेटर। चलिए अब एक और सिचुएशन मैं आपको बताता हूं जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम इज बेटर। तो जैसे स्टूडेंट्स आप सोचें कि बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करना है, लेकिन देखो बॉडी ग्रोथ जो होता है वो एक स्लो प्रोसेस होता है, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में हमारे बॉडी की साइज जो है 5 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगी, नहीं, बॉडी की जो ग्रोथ है बहुत ही स्लो प्रोसेस है, सालों लगते हैं इसमें, ठीक। अब ऐसे काम में नर्वस सिस्टम सही नहीं होता है। देखो मान लो अगर नर्वस सिस्टम जो है बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करे, ठीक, तो बॉडी ग्रोथ में सबसे पहले तो बॉडी के सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो पहली डिफिकल्टी तो यह है कि नर्वस सिस्टम को बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक मैसेज भेजना पड़ेगा, ये अपने आप एक प्रॉब्लम है हमने देखा, ठीक। फिर ये मैसेजेस जो है वो कंटिन्यूअसली भेजने पड़ेंगे, कंटिन्यूअस रूप में मैसेजेस भेजने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि कंटिन्यूअस रूप में धीरे धीरे ग्रोथ हो सके, ठीक है, समझ रहा है बड़ी बात, लगातार उसको मैसेजेस भेजते रहने पड़ेंगे। अब जो नर्वस सिस्टम होता है वो इस चीज के लिए फिट नहीं है, नर्वस सिस्टम जो है वो कंटिन्यूअस रूप में मैसेजेस नहीं भेज सकता। लेकिन अगर यही काम एंडोक्राइन सिस्टम करता है तो बहुत सही से होता है, क्योंकि पहले तो एंडोक्राइन सिस्टम के लिए यह बहुत आसान है कि वो बॉडी के हर पार्ट तक मैसेज आराम से पहुंचा लेगा, ठीक है, और वो कंटिन्यूअसली अपने केमिकल मैसेजेस भेज सकता है, ठीक है।
तो इंडोक्राइन सिस्टम के लिए बहुत आसान है, उसको तो क्या करना है, उसको स्लो और स्टेडी वे में हार्मोन्स रिलीज करते रहना है, स्लो एंड स्टेडी रिलीज ऑफ हार्मोन्स, स्लो एंड स्टेडी रिलीज ऑफ हार्मोन्स, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा हार्मोन्स उसको रिलीज करते रहना है, थोड़ा थोड़ा जूस उसको रिलीज करते रहना है, ठीक। तो वो जो हार्मोन थोड़ा थोड़ा सा रिलीज होता रहेगा, वो थोड़ा थोड़ा सा ग्रोथ क्रिएट करता रहेगा स्लोली स्लोली, ठीक। तो इस सिचुएशन में भी आप देख सकते हो कि इंडोक्राइन सिस्टम इज एक्चुअली अ विन विन सिचुएशन, ठीक। तो हम लिख भी सकते हैं इसको, देखें, नर्वस सिस्टम इज नॉट मेड फॉर सेंडिंग कंटिन्यूअस मैसेजेस फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड्स, ठीक है, बट इंडोक्राइन सिस्टम कैन इजिली सेंड कंटिन्यूअस केमिकल मैसेज इन स्लो एंड स्टेडी मैनर, सो इंडोक्राइन सिस्टम इज बेटर फॉर कंट्रोलिंग स्लो प्रोसेसेस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस तरीके से हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों इंपॉर्टेंट है, कुछ काम नर्वस सिस्टम ज्यादा एफिशिएंटली कर सकता है और कुछ काम इंडोक्राइन सिस्टम, दोनों मिलके बहुत अच्छे से हमारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जाननी चाहिए यहां पे कि इंडोक्राइन सिस्टम के फंक्शनिंग में, इंडोक्राइन सिस्टम के फंक्शनिंग में मतलब ग्लैंड्स के फंक्शनिंग में नर्वस सिस्टम का भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, दे आर एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, दे आर एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, इनफैक्ट वी शुड राइट दिस, सम इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, तो ब्रेन जो है कई सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है कि उनको ज्यादा कम कब और कब नहीं सिक्रीट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो विद दिस वी आर डन विद द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, यू शुड रिवाइज बाय गोइंग थ्रू नोट्स, और कोई पार्ट आपको डिफिकल्ट लगा हो तो आपको उसको बार बार सुनना चाहिए, ये कंप्यूटर के थ्रू पढ़ने का यही तो एडवांटेज है, यू कैन study anything again and again till you understand it.